गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो दोपहर का वक्त हो चुका है जिसमें आप इंडियन पीनल कोड के महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में पढ़ते हैं, और पिछले कई दिनों से आपको मैं आईपीसी के इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर डिटेल में डिस्कशन करके कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएँ हैं जिससे संबंधित सीधा सा प्रश्न आ सकता है। और बिल्कुल सीधे सीधे धाराओं में जो टाइटल है, जो शीर्षक है, जो प्रावधान है, उसी को देकर पूछ लेंगे कि ये किस धारा के अंतर्गत दिया गया प्रावधान है। तो हम लोग सबसे पहले इंडियन पीनल कोड के बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर रहे हैं, और इस सीरीज़ में मैं लगभग आपके सामने 7 लेक्चर ला चुका हूं। आज उसी क्रम में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आज मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराओं पर आपसे बात करूँगा। तो एक बार पुनः आप सभी का यूपीएसआई की तैयारी करने वाले बच्चों के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप सब उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आईपीसी सीआरपीसी या जो आपके पाठ्यक्रम में जो कानून दिए गए हैं उन पर चर्चा करने के लिए सीरीज स्टार्ट किया। तो अभी तक हम लोगों ने आईपीसी पर कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लिए हैं, आज कुछ नए सेक्शन देखेंगे और उनसे संबंधित विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। आप नोटबुक निकाल लीजिए, पेन रेडी रखिए, और सबसे पहले हेडिंग डालिए, लिखिए इंडियन पीनल कोड 1860 इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, यानी उनकी महत्वपूर्ण धाराएं। भारतीय दंड संहिता 1860, आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, महत्वपूर्ण धाराएं इम्पॉर्टेंट सेक्शन। तो हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी, आप सभी को याद होगा कि इसमें हम लोग अध्याय 15 तक एक एक महत्वपूर्ण धाराओं पर बात कर चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 16 से आगे बढ़ेंगे। अध्याय 16 से ही लेकर के मैं आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करूंगा। हालांकि अध्याय 16 इतना विस्तार से दिया गया है, इतना महत्वपूर्ण है कि उसको सबसे पहले आपको इसी अध्याय पर फोकस करके एक एक चीज़ों को जानना है। तो आज की क्लास चैप्टर 16 पर फोकस होगी और इसमें दिए गए विषयों पर मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी कानूनी मामलों के संदर्भ में देखा जाए तो अध्याय 16 बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पिछली क्लास अगर याद होगी तो मैंने बताया था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के अध्याय 16 के अंतर्गत जो मुख्य विषय दिया गया है वो है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें हेडिंग जो है उसे आप जरूर लिख लें, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरीके से भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हो जाता है, क्योंकि ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करता है। इसमें विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग प्रावधान मिलते हैं, जिसमें आप देखेंगे चाहे वो जीवन के लिए संकटकारी जो है जीवन के लिए संकटकारी अपराध हों, या फिर इसी तरीके से जैसे गर्भपात कारित करने से संदर्भित कोई मामला हो, जैसे बलात्संग का कोई मामला हो, तो इस तरह के जितने भी मामले हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जो मानव शरीर पर प्रभाव डालते हैं, इस तरह के अपराधों को विषय बनाया गया है अध्याय 16 के अंतर्गत। तो बेहतर रहेगा कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए हम इसमें जो महत्वपूर्ण विषय दिए गए उनकी एक लिस्टिंग कर लें, देख लें कि इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए, वो कौन कौन से अपराध हैं
जिनको मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी में डिफाइन किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम एक एक करके पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या विषय शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जीवन के लिए संकटकारी, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। तो अध्याय 16 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय लिया गया जो जीवन के लिए संकटकारी अपराध है, जैसे आपराधिक मानवध है, हत्या है या हत्या के लिए प्रयत्न है, इस तरह की बातें इसके अंतर्गत आपको मिलेंगी। और इसका पूरा वर्णन जो है वो धारा यानी सेक्शन 299 से लेकर के 311 तक दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं आती हैं इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उन सभी विषयों को जान लें जो अध्याय 16 के अंतर्गत उन अपराधों के रूप में परिभाषित है जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध हैं। तो इसमें पहला हो गया जीवन के लिए संकटकारी अपराध, फिर इसके बाद दूसरा आप देखेंगे वो है गर्भपात कारित करने गर्भपात कारित करने अजात शिशुओं को क्षतिकारित करने कारित करने शिशुओं को अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में और जन्म छिपाने के विषय में जन्म छिपाने के विषय में। तो इसमें आप देखेंगे कि धारा यानी सेक्शन 312 से लेकर के सेक्शन 318 तक इन विषयों का वर्णन मिलता है, यानी मिसकैरेज से रिलेटेड या अजन्मे शिशुओं को छत्कारित करने के उद्देश्य से, जैसे फोर्टिसाइड कोई घटना है यानी भ्रूण हत्या जो होती है उस संदर्भ में, शिशुओं को अरक्षित छोड़ने उनका परित्याग कर देने, या फिर इसी तरीके से जन्म छिपाने के संदर्भ में शिशुओं का बयान करने, इन सब के संदर्भों में धारा 312 से 318 तक प्रावधान है। तो अभी मैं इनके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएँ हैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि सबसे पहले आप जान लें कि वो कौन कौन से अपराध हैं जिनको इस श्रेणी में रखा गया है और कहा गया है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। अब मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले इन अपराधों में यहां पर सबसे पहला आपने देखा जीवन के लिए कुछ संकटकारी हैं इनके विषय में, दूसरा इसी तरीके से गर्भ पारित करने से संदर्भित। तो यहां पर इसमें सेक्शन 299 से लेकर 311 और सेक्शन 312 से लेकर 318 ये दो महत्वपूर्ण जो है वो विषय आते हैं। फिर एक तीसरा महत्वपूर्ण विषय इसी के अंतर्गत है, वो देखिए क्या है।
तीसरा महत्वपूर्ण विषय है उपहति के विषय में, उपहति के विषय में यानी इसे कहेंगे ऑफ हार्ट, ऑफ हार्ट। अब उपहति के विषय में आप देखेंगे सेक्शन यानी धारा 319 से लेकर 338 तक प्रावधान मिलेंगे। तो उपहति के अंतर्गत जैसे मान लीजिए किसी को शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती है, शारीरिक पीड़ा, या फिर इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई रोग उसे संचारित किया जाता है, या फिर इसके अलावा अंग शैथिल्य कारित किया जाता है, तो इसके विषय में आप देखेंगे वो धारा 319 से 338 तक प्रावधान दिए गए हैं। तो उपहति शब्द का जो प्रयोग किया गया, हर्ट शब्द का प्रयोग किया गया, उसके अंतर्गत अगर आप ये समझना चाहें ये है क्या, तो किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, अंग भंग कर देना, शारीरिक क्षति पहुंचा देना, रोग संचारित कर देना, अंग शैथिल्य कर देना, इस तरह की चीज़ें जब होती है तो उसे कहते हैं उपहति। और धारा 319 से 338 तक इसके विषय में अलग अलग प्रावधान मिलते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत ही एक अन्य विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय शामिल है, वो है सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में यानी ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो धारा 339 से लेकर और 339 से 348 तक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए, यानी सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के संबंध में के विषय में जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता में, वो आप देखेंगे धारा 339 से 348 तक वर्णित किए गए। तो इस तरह से आपने ये देखा कि कुल मिलाकर अभी तक चार विषय आपको दिखे जिसको मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी में रखा गया। तो एक एक करके ध्यान रखिए, एक जीवन के लिए संकटकारी अपराध है, गर्भपात कारित करने के संदर्भ में कुछ अपराध हैं, हर्ट से रिलेटेड उपहति के विषय में कुछ अपराध हैं, और सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में भी कुछ आपराधिक विषय जो है इसके अंतर्गत वर्णित किए गए। अब आते हैं पांचवें पर, इसी में हम देखें तो नेक्स्ट है आपराधिक बल और हमले के विषय में, और हमले के विषय में यानी ऑफ क्रिमिनल फोर्सेस and assault. सेक्शन 349 से लेकर के सेक्शन 358 तक, 358 तक आप देखेंगे आपराधिक बल और हमले के विषय में प्रावधान दिए गए हैं।
तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में इसे भी शामिल किया गया है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो धारा 349 से 358 तक आपराधिक बल और हमले के विषय से संबंधित प्रावधान दिए गए। फिर इसमें एक अन्य विषय और भी आप जोड़ सकते हैं, वो है व्यापहरण, व्यापहरण, अपहरण, अपहरण, दासत्व, दासत्व और बलात्श्रम, और बलात्श्रम यानी किडनैपिंग, किडनैपिंग, एबडक्शन, एबडक्शन, स्लेवरी, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, फोर्स लेबर। तो धारा 359 से लेकर के 359 से लेकर के धारा 374 तक, 374 तक आप देखेंगे किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी और फोर्स लेबर से संबंधित अपराधों का वर्णन मिलता है और उसके लिए दंडात्मक प्रावधान दिए गए। इसमें जैसे आप देखेंगे जो बलात्श्रम शब्द है, भारतीय संविधान में भी जब आप मौलिक अधिकारों का अध्ययन करते हैं तो जो तीसरा मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वहाँ पर भी जो है बलात्श्रम का निषेध किया गया है, यानी उसमें प्रोहिबिशन ऑन फोर्स लेबर है। तो उसमें आप देखिएगा कि आर्टिकल 23 में साफ साफ क्लियर वर्डिंग है कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर यानी बलात्श्रम का निषेध है। तो उसी संदर्भ में आईपीसी के अंतर्गत भी यहाँ पर धारा 359 से 374 में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी एक तरीके से मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो मैं जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं इसके अंतर्गत आएंगी उस पर भी अलग से बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले चाहता हूं कि अध्याय 16 में किन किन अपराधों पर जिक्र किया गया, किन किन अपराधों को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी में शामिल किया गया, सबसे पहले आप उन्हीं को जान लें। तो अब तक आपने कुल मिलाकर 6 पार्ट इसमें देख लिए, ठीक है, जिसमें से 5 के बाद 4 के बाद 5वां पार्ट आपने देखा आपराधिक बल और हमले के विषय में है, और 6ठा आप देख रहे हैं व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के संबंध में। और फिर इसी के बाद आप देखें तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों में इसमें अंतिम आप शामिल कर सकते हैं, वो है यौन अपराध। तो नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आप यौन अपराधों को भी शामिल कर सकते हैं। यौन अपराध यानी सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस, और धारा 375 से लेकर 375 से लेकर 377 तक आप देखेंगे यौन अपराधों के संबंध में प्रावधान है, यौन अपराधों की परिभाषा दी गई है, यौन अपराधों के लिए दंडात्मक व्यवस्था दी गई। तो इस तरीके से आप देखें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणियों को अगर आप देखें तो कुल 7 श्रेणियां इसके अंतर्गत आप बना सकते हैं, जिसमें एक एक करके मैंने 7 के 7ों आपके सामने रखे हैं, और कौन सी श्रेणी किस धारा को शामिल करती है ये भी आपने देखा। अब बेहतर होगा कि एक एक करके इसको लेकर आगे बढ़ा जाए। तो याद करिए सबसे पहला आपने क्या लिखा, जीवन के लिए जो संकटकारी अपराध हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। प्रॉपर नोटिंग करते हुए ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जितना भी नोट्स मैं अभी तक बनवाता जा रहा हूं वो इंडियन पीनल कोड का फंडामेंटल है, और उसी के बारे में आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो कम से कम ये होगा कि एक सुपरफिशियल लेवल पर अगर कोई प्रश्न आ गया तो आप उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको क्या बताया इसके अंतर्गत है, जीवन के लिए, जीवन के लिए
संकटकारी अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ। तो अभी अभी आपको बताया था कि धारा 299 से लेकर, यानी सेक्शन 299 से लेकर 311 तक, 311 तक इसके संबंध में प्रावधान दिए गए। अब इसके अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण धाराएं, इसमें सबसे पहला आता है सेक्शन 299, यानी धारा 299, और धारा 299 में दिया गया आपराधिक मानवबध, आपराधिक मानवबध, आपराधिक मानवबध, या जिसको कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, होमिसाइड, ठीक है। तो आपराधिक मानव वध को जो है वो हत्या की श्रेणी से अलग रखा गया है और इसे जो है एक दंडनीय अपराध माना गया है, और आपराधिक मानव वध के लिए जो दंडात्मक व्यवस्था है वो धारा 304 में है, यानी सेक्शन 304 इसी से संबंधित है। आप ये कह सकते हैं इसमें दिया गया हत्या की कोटि में, हत्या की कोटि में ना आने वाले, ना आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए, वध के लिए दंड। तो ये दो धाराएं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आता है आपराधिक मानव वध किसमें दिया गया, तो धारा 299 में, और आपराधिक मानव वध के लिए दंडात्मक व्यवस्था किसमें है, तो धारा 304 के तहत। तो 299, सेक्शन 299 और सेक्शन 304 इंटर रिलेटेड है। 304 और 299 आप ध्यान रखिएगा। 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और 304 जो है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है। तो ये दो धाराएं इससे संबंधित हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, साधारणतया या आम जनजीवन के लिए हत्या और वध ये सब चीज़ें जो है टेक्निकल भाषा में, कानूनी भाषा में उनको एक जैसा लगता है, लेकिन आपराधिक मानव वध जो है वो अलग है और हत्या अलग है। दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आगे आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक गड्ढा है, अब उस गड्ढे के ऊपर आप घास फूस से उस गड्ढे को ढक देते हैं और आप देख रहे हैं एक व्यक्ति आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस गड्ढे में गिरे और उसकी मृत्यु कारित हो जाए। आप जानते हैं कि अगर गिरेगा इसमें उसकी मौत हो जाएगी, तो आप उसे डायरेक्ट हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए पूरा एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके तहत उसकी मृत्यु कारित होना पूरी तरह संभाव्य है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो सीधी सी बात है कि आप आपराधिक मानव वध जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति को उकसाते हैं गोली चलाने के लिए जिसको ये नहीं पता है कि मैं जिस जगह पर शूट करने जा रहा हूँ उसके पीछे कोई व्यक्ति बैठा है, तो आप एक जगह पर उसको प्रकोपित कर रहे हैं, एक तरीके से इंसाइट कर रहे हैं कि वो गोली चलाए। चलाने वाला नहीं जानता है कि वहाँ पीछे कोई और बैठा है, उसने गोली चला दी और जाकर उस व्यक्ति को लग गई। तो जो जानता था, जिसने किसी को प्रवोक किया, प्रकोपित किया कि आप गोली चलाइए, वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आ जाएगा। भले ही गोली चलाने वाला जो है आपराधिक मानव वध का दोषी ना हो, लेकिन जिसने चलवाई है यानी जिसने उसको प्रकोपित किया है वो कहीं ना कहीं आपराधिक मानव वध का दोषी हो जाए। तो बड़ा टेक्निकल इशू है ये सब, हत्या, आपराधिक मानव वध, ये सब मैं बात करूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप आईपीसी के जो बेसिक चीज़ें हैं, जो धाराओं में दिए गए विषय हैं, उसको जरूर जान। क्या पता आपकी परीक्षा में बहुत सिंपल सा प्रश्न आ जाए, आपराधिक मानव वध आईपीसी के किस सेक्शन के तहत एक अपराध है, तो सेक्शन 299। आपराधिक मानव वध की परिभाषा किसमें, सेक्शन 299। आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं है उसके लिए दंडात्मक प्रावधान किसमें है, तो सेक्शन 304। अब आ जाते हैं हत्या की बात करते हैं, इसी के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, वो है हत्या और हत्या के लिए दंड।
तो शायद आप पहले से ही इस बात को जानते होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 300। इसमें हत्या की बात की गई यानी मर्डर, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि इसी में एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आप जोड़ दीजिए, वो है सेक्शन 302। बड़ा ही पॉपुलर रहा है भारत में, इसको कहते हैं हत्या के लिए दंड, हत्या के लिए दंड। तो मर्डर और पनिशमेंट फॉर मर्डर, इन दोनों से संबंधित जो धाराएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यानी धारा 300 और धारा 302। तो फिर एक बार ध्यान दीजिए, धारा 299 वो कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानवबध की बात करता है, धारा 304 आपराधिक मानवबध के लिए दंडात्मक प्रावधान करता है, और धारा 300 हत्या से संबंधित अपराध की बात करता है, धारा 302 हत्या के लिए दंड की बात करता है। इसी तरीके से एक और मृत्यु है जिसको हम कहते हैं दहेज मृत्यु, उसकी धारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसी में एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में आ सकता है, वो है सेक्शन 304B। सेक्शन 304B यानी 304 मैंने आपको क्या बताया, कल्पेबल होमिसाइड के लिए दंडात्मक प्रावधान है, ऐसे ही धारा 304 के AB सेक्शन है, जिसमें B सेक्शन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें है दहेज मृत्यु। दहेज मित्र मृत्यु यानी इसे कहते हैं डाउरी डेथ, इसमें डाउरी डेथ का प्रावधान दिया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है सेक्शन 307 यानी धारा 307, और धारा 307 में आप सब जानते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर है, यानी हत्या करने का प्रयत्न, हत्या करने का प्रयत्न। तो हत्या करने का प्रयत्न जो है वो धारा 307 आप सब जानते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, और इस तरीके से मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों की श्रेणी में जो जीवन के लिए संकटकारी अपराध है उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे धारा 308, धारा 309, धारा 310 और धारा 311, ये चारों भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मैं बात करूं कि धारा 308 क्या है, सेक्शन 308। तो सेक्शन 308 के लिए आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, फिर ध्यान दीजिएगा अगर अटेम्प्ट टू मर्डर की बात है तो धारा 307, और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की बात है तो धारा 308। ये दोनों में अंतर हुआ, हत्या के लिए प्रयत्न धारा 307, आपराधिक मानववध के लिए प्रयत्न तो धारा 308। फिर इसके बाद जो है धारा 309 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सब जानते ही हैं कि अगर कोई सुसाइड करता करने का अटेम्प्ट करता आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो ये भी एक अपराध है, तो इसमें दिया गया है आत्महत्या करने का प्रयत्न, आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो इस तरीके से धारा 309 के तहत सुसाइड के बारे में प्रोविजन है, और फिर यहाँ पर जो है सेक्शन 310, इसमें ठगी की परिभाषा दी गई है। ठग के अंतर्गत क्या होता है, कुछ व्यक्ति संयुक्त होकर किसी को लूट लें, या उसके जो है मान लीजिए लूट के इरादे से हत्या कर दें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के सेक्शन 310 में ठग की परिभाषा दी गई कि ठग क्या है, और सेक्शन 311 यानी 311 ये ठग के लिए दंडात्मक प्रावधान करता है। तो ठग के लिए क्या दंड दिया जाएगा, इसके लिए क्या दंडात्मक प्रावधान होगा, इसके बारे में सेक्शन 311 में दिया गया। तो धारा 299 से 311 तक कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थी, जैसे 299, जैसे 300, जैसे 302, जैसे 304, जैसे 304B, 308, 9, 10, 11, ये महत्वपूर्ण धाराएं आपने देखी। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो मैंने आपको विषय बताए हैं जो आपने लिखे हैं या आप याद कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो अभी अभी आपको लिखा है मैंने कि इसके अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण विषय क्या है, वो है गर्भपात कारित करना,
गर्भपात कारित करना, कारित करना करने अजात शिशुओं को क्षतिकारित करने, को क्षतिकारित करने, कारित करने शिशुओं का अरक्षित अरक्षित शिशुओं का अरक्षित छोड़ने अरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में छिपाने के विषय में। अब आप देखेंगे कि आईपीसी के सेक्शन 312 से लेकर सेक्शन 312 से लेकर सेक्शन 318 तक इस तरह के विषयों का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन से मुख्य विषय आ रहे हैं। तो गर्भपात यानी मिसकैरेज के बारे में प्रावधान है, इसके साथ साथ अजात शिशुओं को क्षतिकारित करना नहीं फोर्टिसाइड एक तरीके से, जो वो चाहे फीमेल फोर्टिसाइड हो या किसी भी शिशु की हत्या हो एक तरीके से, तो शिशुओं को क्षतिकारित करने या फिर शिशुओं को अरक्षित छोड़ने जैसे बच्चों का परित्याग कर देना इस संदर्भ में, या जन्म छिपाने के इरादे से किए गए कुछ कार्य, उनको अपराध बताया गया है। और सेक्शन 312 से लेकर 318 तक इसके लिए विषयों और दंडात्मक व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण धाराएं। इसमें सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 312, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गर्भपात कारित करने के बारे में बात है। यानी गर्भपात कारित करना कुछ दशाओं में एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके लिए दंडात्मक व्यवस्था है, तो इसे कहते हैं कॉजिंग मिसकैरेज, कॉजिंग मिसकैरेज। फिर इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे सेक्शन 313 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 313 कहता है स्त्री की सम्मति के बिना, उसके कंसेंट के बिना गर्भपात कारित करना। तो इसमें लिखेंगे स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना यानी कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, यानी उस महिला की सम्मति के बिना ही गर्भपात कारित किया गया, इसके बारे में दंडात्मक व्यवस्था की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 318 यानी धारा 318। 318 कहता है किसी बच्चे के शरीर का गुप्त रूप से व्ययन करके उसके जन्म को छुपाना, यानी किसी बच्चे के शरीर का गुप्त रूप से व्ययन करके उसके जन्म को छुपाने के विरुद्ध जो निर्देश दिया गया, यानी एक अपराध के रूप में परिभाषित है और इसके लिए दंडात्मक प्रावधान है ये सेक्शन 318 में। तो यहाँ पर जो इस विषय को आप देख रहे हैं इसमें जो 312 से 318 तक धाराएं हैं, ये तीन धाराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सेक्शन 312, सेक्शन 313 एंड सेक्शन 318।
तो एक में गर्भपात कारित करने यानी मिसकैरेज कॉज करने की बात है, एक में स्त्री की सम्मति के बिना उसके कंसेंट के बिना कॉजिंग मिसकैरेज है, और एक है बच्चे के शरीर का गुप्त रूप से वैन करके उसके जन्म को छिपाया गया। तो ये तीन अपराधों के बारे में यहाँ पर सेक्शन 312 से 318 तक में वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा आते हैं, थर्ड मैंने आपको बताया था ऑफ हर्ट यानी उपहति के विषय में है, तो जरा उसको देखते हैं। उपहति के विषय में ऑफ हर्ट, और इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि धारा 319 से लेकर के और धारा 338 तक आपको इसमें प्रावधान मिलेंगे। तो उपहति के विषय में धारा 319 से 338 तक के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कौन कौन से सेक्शन इम्पॉर्टेंट हैं। तो सेक्शन 319 सबसे पहले जो है वो उपहति को परिभाषित करता है, यानी कि हर्ट है क्या, हर्ट के संदर्भ में बताया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि शारीरिक पीड़ा पहुंचाना या फिर अंग शैथिल्य करना या इसी तरीके से रोग संचारित करना, इसके विषय में वर्णन मिलेगा। तो उपहति, और फिर एक टर्म है घोर उपहति। जब घोर उपहति की बात आए तो सेक्शन 320 यानी ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 319 उपहति है और 320 है घोर उपहति यानी ग्रीवियस हर्ट। घोर उपहति इसको कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। फिर इसी तरीके से इसमें एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है 326 ए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 326 ए में तेजाब इत्यादि के प्रयोग द्वारा स्वेच्छा वॉलेंटरली यानी स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना इससे संदर्भित दंड की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी पर तेजाब का प्रयोग करके स्वेच्छया यानी वॉलेंट्री किसी को ग्रीवियस हर्ट किया जाता है, घोर उपहत पहुंचाई जाती है, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे रोग संचरण हो, चाहे जो है शरीर या शरीर के अंग का शैथिल्य हो कोई भी, तो तेजाब इत्यादि के प्रयोग द्वारा अगर ऐसा किया गया तो ये सेक्शन 326 ए के तहत जो है वो दंडात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है। ऐसे ही इसमें सेक्शन 326 बी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 326 बी अक्सर आप कानून के संदर्भ में इस तरह के अपराधों को न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते रहते हैं, यानी किसी पर तेजाब फेंकना, तो स्वेच्छा वॉलेंटरली तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। तो ये भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण अपराधों के रूप में परिभाषित है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के उपहति के विषय में जो धारा 319 से लेकर 338 तक दंडात्मक प्रावधान दिए गए, जिन अपराधों का वर्णन है उसमें ये चार कम से कम आप जरूर याद रखिएगा। 319 उपहति से संबंधित है, उपहति की परिभाषित करता है और उपहत को एक दंडनीय अपराध बताता है। सेक्शन 320 वो घोर उपहति को परिभाषित करता और दंडनीय अपराध बताता है। सेक्शन 326 ए
ये तेजाब इत्यादि के प्रयोग द्वारा किसी को घोर उपाहत पहुंचाई जाती उसके संदर्भ में है, और सेक्शन 326 भी वो तेजाब फेंकने या फेंकने के प्रयास करने के लिए दंडात्मक प्रावधान की व्याख्या करता है। तो ये चार धाराएं इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, चौथा देखते हैं, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। परिरोध के विषय में, ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, wrongful confinement, तो अभी अभी आपको मैंने क्या बताया था कि इसके अंतर्गत धारा 339 से लेकर के धारा 348 तक जो है वो प्रावधान दिए गए हैं। 339 से 348 तक इसमें प्रोविज़न मिलते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो आप देखें तो सेक्शन 339 इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसी तरीके से इसमें सेक्शन 340 इम्पॉर्टेंट है, इसमें सेक्शन 341 भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में सेक्शन 342 इम्पॉर्टेंट। ये चार धाराएँ कम से कम आपको जरूर ध्यान रखनी, 339, 340, 341, 342। तो सबसे पहले धारा 339 को अगर देखें तो इसमें सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है। सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को डिफाइन किया गया है और इसे एक दंडनीय अपराध बताया गया है। और इसी तरीके से जो धारा 340 है इसमें सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया, तो इन दोनों टर्मोलॉजी को स्पष्ट किया गया है कि सदोष अवरोध का अपराध कब गठित होगा, सदोष परिरोध का अपराध कब गठित होगा यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और फिर इसके बाद सदोष अवरोध के लिए दंड है धारा 341 के तहत, सदोष अवरोध के लिए दंड यानी पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और इसी तरीके से सदोष परिरोध के लिए दंडात्मक व्यवस्था वो धारा 342 में है। सदोष परिरोध के लिए दंड वो इस धारा के अंतर्गत दी गई। तो कुल मिलाकर के भारतीय दंड संहिता का अध्याय 16 बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, और इसके अंतर्गत आपने खुद देखा कि विभिन्न धाराओं में महत्वपूर्ण प्रावधान मिलते हैं, जिसमें आज हमने इसके चार महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा, यानी चार अपराधों की श्रेणियों को देखा जिसमें अलग अलग महत्वपूर्ण धाराएं मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी इस पर तीन और महत्वपूर्ण विषय हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपराधिक बल और हमले के विषय में किस तरह के प्रावधान हैं, वो पांचवा हो जाएगा। छठा इसी तरीके से व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के बारे में, और सातवां यौन अपराधों के बारे में। तो आपराधिक बल और हमले के विषय में जो प्रावधान है, व्यापहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के संबंध में जो प्रावधान है, और यौन अपराधों के विषय में, यही तीन विषय हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मैंने आपके सामने रखा है और जो धाराएं बताई हैं, जो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्रॉपर अरेंज करके लिख रहे हैं आप, तो अब तक काफ़ी धाराएं आपने देख ली हैं। आपको कोशिश यही करनी है कि इन धाराओं में दिए वर्णित विषयों या वर्णित प्रावधानों पर आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो बाकी अन्य महत्वपूर्ण धाराओं पर कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। कल फिर लगभग वही 1:15 के शेड्यूल पर मैं आपके सामने लाइव होऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।